हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। मैं हूं विकास यादव। पहले तो आज आप लोग से आज जोड़कर मेरी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपना छोटा भाई समझकर हमें सपोर्ट भी करें। तो रोज़ की तरह आज भी हम ब्लॉग बनाने हैं, गाँव से बाहर खेतों में आ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, पीछे के कैमरा से दिखा नहीं सकते क्योंकि पीछे का कैमरा हमारा फूट है, आगे कैमरा से जो होगा सो होगा, देख सकते हैं। और हमारे पीछे जो वहाँ आप सबको थोड़ी दूर पर दिखाई नहीं दे रही होगी, देख सकते हैं, जूम कर देते हैं आप सबको, वहाँ पर एक भट्ठा दिखाई होगा, भट्ठे के पीछे पानी की टंकी, वहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है। आप सबको उसे भी दिखाएंगे, बस उसे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। और अभी तो हम यू खेत को देखें, चार तरफ का यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं आप लोग को। फाइनली ये दो लोग अभी बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। बोलो कुछ, बोलो। पानी दवाई मार के आए खेत में खाइए, और खेत के ही बारे में लोग बात कर रहे हैं। पहले धान तैयार होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं, 10-15 दिन में धान की तैयारी होगी। अभी तो पित लग चुका है, पित्तर देख सकते हैं। ये 3 अक्टूबर से नवरात्रि चालू है, जहाँ तक हो सकता है नवरात्रि तक के धान कटने लायक हो जाएंगे। न बनाई मैंने तो गलत बोल जा तो बाप के पूरी मौत हो, बताओ बाप के ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। तू आदमी मस्त हो, तू हमारा आदमी मस्त हो, तो सब है फिर तो बटे हो रही है। अरे महाराज, खाली हाइट हो गई पर वजन पता नहीं कहाँ से भगवान दे बुलाएंगे। तो ये तो भर कुछ होते रहे तो पुखरे तो हर है। फाइनली महाराज के साथ जो होना था मस्ती हो गया। महाराज बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कोई भी बात का बुरा नहीं मानते और हमें बहुत प्यार भी करते हैं, अपना छोटा बेटा मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो इससे पूरा तो नगदी है, मैंने कमरे तो नदी हो। हम लोग तो पूरा दवाई खेते खींच लाए थे बाद में ही, इससे मान लो पूरा तो नगदी है, मान लो कमरे तो नदी हो। हाँ ऐसा ना है, कहीं पैसा कम हो तो देख देते हैं हम लाए थे। हाँ तो ना लाए हो तू उनके, ना लाओ तब बढ़िया, कोई बात नहीं। अरे नहीं मान लो मैं आई थी तो पा गई। तो महाराज जाओ, हाल चाल बताओ, क्या हाल है। सब बढ़िया, सब बढ़िया, आशीर्वाद दिया था। बस नम नाई लाए थे, जाओ हम ले गए आशीर्वाद दो। देखो और फिर सुखिया हम दो भैया, कहा कही बनाओ। तो आज तो एक छोटे से ही ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पिछले दो ब्लॉग से अच्छा इस ब्लॉग में कॉन्फिडेंस दिखाए हैं। पिछले दो ब्लॉग में हम सही से बोल भी नहीं सक पाते थे और भूल जाते थे, इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उससे अच्छा मुझे लगता है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा बोल ले रहा हूँ, अब कॉन्फिडेंस अंदर आने लगा है। तो आज के लिए बस इतना सही, और हमें प्यार दे, अपने छोटा भाई समझ के सपोर्ट भी करे, क्योंकि न्यू क्रिएटर के लिए इतनी ही बड़ी बात है। जय हिंद।